43। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र की रेंज सायरा गोगुंदा देवला में विगत 3 वर्षों में करवाए गए वृक्षारोपण एवं व्यय की राशि का योजनावार विवरण परिष्ट ए पर संलग्न है। खंड 2, उपवन संरक्षक उदयपुर उत्तर से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्तमान में जीवित पौधों की संख्या का विवरण संलग्न परिशिष्ट ए पर समाहित है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वर्ष 2021-22 में आपने 73 प्लांटेशन की सूचना प्रसिद्ध की है, इसमें वर्ष और देवला रेंज, विशेषकर देवला रेंज में आपने जैसे जो वृक्षारोपण किया था उसमें कहीं 58% रहा, कहीं 50% और कहीं 61%, इसका क्या कारण रहा? और जो वृक्षारोपण किया गया था वो वास्तव में किया गया या नहीं किया गया, और वर्तमान में वहाँ जो इन्होंने जो संख्या बताई है पौधों की वहाँ है कि नहीं, इसकी जांच करवाएं। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, गोगुंदा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पौधारोपण को लेकर के विशेष रूप से 21, 22, 23 और 22-23 के अलग अलग रेंज देवला को लेकर जो चिंता जताई है उसके बारे में कहना चाहूँगा कि पौधारोपण को लेकर के एक रेंज से दूसरे रेंज के अधिकारी के द्वारा जांच की जाती है, DCF और CCF के माध्यम से भी जांच कराई जाती है, थर्ड पार्टी के द्वारा भी जांच कराई जाती है, उसके साथ साथ भारत सरकार द्वारा सैटेलाइट के माध्यम से हर वर्ष कितना फॉरेस्ट घटा कितना बढ़ा उसकी जांच भी भारत सरकार द्वारा कराई जाती है। लेकिन जो चिंता माननीय सदस्य ने व्यक्त करी है सदन के अंदर, माननीय सदस्य मुझे लिख करके दे दें किस किस जगह उनको ऐसा लगता है कि पौधारोपण कम हुआ है या कोई गड़बड़ है, निश्चित रूप से 3 सदस्य कमेटी बना के उसकी जांच करा ली जाएगी। श्री हो गया है, बार एक दो प्रश्न हो गए दिए ना प्रश्न। अध्यक्ष जी बात समझो, आप देखो, आप गौर से जो जीवित पौधों की संख्या बता रखी है ना, तो 10,000 में से 9,000, 10,000 में 8,500, 20,000 में से 8,400, 10,000 में से 9,100, 9,200, 9,400, तो ये ऐसी क्या संख्या है जो पूरी राउंड फिगर में ही आ रही है? जब इन्होंने जांच कराई है तो ये तो हो नहीं सकता कि फुल फ्लैश 100 में से 100 ही जीवित है या 100 में से 80 है, कहीं 89, 99, 98, 97 भी हो सकते हैं। तो ये जो आंकड़े हैं ये गुमराह करने के हैं। मैं कहूंगा इनकी जांच कराई जाए और एक्चुअल जो स्थिति है वो मंत्री जी स्पष्ट करें। जांच के लिए कहा है उन्होंने? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष को हर प्रश्न पे खड़े होने की आदत सी हो गई है। अब यही काम मेरा है, ये काम मेरा है। आदत नहीं अधिकार है, आदत नहीं अधिकार है, अधिकार 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 हरिमोहन जी, आप तो अपनी सीट पे भी नहीं है। बोरा जी आप अपनी सीट पे रहिए, आगे जाकर बैठिए, ये काम मेरा है। अरे मैंने कह दिया जो कहना था, बैठिए। और शायद जब मैं ये बात, अरे कह दिया, अरे व्यवस्था दे, आपको खड़े होने की आदत है क्या? मैंने कह दिया, मुझे व्यवस्था देनी थी, मैं दे दी मैंने। अरे सब एक साथ खड़े हो गए, व्यवस्था मेरे जिम्मे। अरे बैठ जा, मत आप बैठिए। अब आपको क्या हो गया? अरे आप अस्वस्थ हैं, आपके प्रश्न नहीं आएंगे, उत्तर नहीं आएंगे, फिर महोदय जवाब मत दो यार। नहीं आएंगे तो अब आपका प्रश्न नहीं रखूंगा, ज्यादा करोगे तो तमाशा कर रहे हो। चलिए आगे, आगामी श्री जसवंत सिंह यादव। मैं जवाब दे दूं साहब इनका? 2640 जी हाँ, नहीं दिलाइए।